तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अपने पास एक जो है वो लाइट इंसिडेंट, वन फेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, वन फेस ऑफ प्रिज्म एज्यूम स्मॉल एंगल, मतलब स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ए जो है वो छोटू एंगल लेना है, ठीक ना, और इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इन नियरली इक्वल। ध्यान रखना जो आई है वो स्मॉल एंगल है, यहाँ पे स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है मतलब मैं जो अजम्पशन लूँगा साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन आई और ये सब आई के बराबर होंगी, ये अजम्पशन ये यहाँ से चलेगा क्योंकि एंगल छोटा है। तो अगर मेरे पास एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म बनाऊँ यहाँ से, तो अब रे ये एंगल जो है वो इस पर नॉर्मल, एक रे आई यहाँ पे और ये यहाँ से ये वाली जो एंगल है, कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा तुम्हें फील आ जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और ये ऐसे जा रही है और ये नॉर्मली ऐसे इधर निकल जा रही है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे निकल जा, ये एंगल थीटा 90 है, आर 90 है, ऐसे निकल गए, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ए भी 90 है, तो ए भी 90 है, ठीक है ना, ये 90 है तो ये ए है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 माइनस ए, ठीक है ना, एक ट्रायंगल में, और ये एंगल ऑफ आर है तो ये पूरा एंगल 90 है, तो आर की जो वैल्यू आएगी 90 माइनस ए, तो आर जो है वो ए के बराबर आ गया। और इस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर वन एयर है, तो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो स्नेल्स लॉ अगर लगा दोगे स्नेल्स लॉ, तो म्यू म्यू यहाँ से म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से वन मल्टीप्लाइड बाई साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से साइन आर, यहाँ से साइन आई को मैं आई लिख दूँ और म्यू यहाँ से साइन आर को मैं ए लिख दूँ, और सिंस आई इज स्मॉल स्मॉल सो आर इज ऑल्सो ऑल्सो स्मॉल, ठीक ना, तो अगर स्मॉल है तो यहाँ से जो म्यू ए है दैट इज़ आई। फाइनली अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है।